साधु जी। प्रात पर परमात्मा श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, भगवान श्री सीताराम जी के चरणारविंदों की कृपा से समस्त जगत में चेतना भी है, समस्त जगत में आधार भी है। ऐसे श्री सीताराम जी भगवान के चरणारविंदों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कथा के सबसे बढ़िया वक्ता और सबसे अच्छे श्रोता दुनिया में कोई खोजे तो वो एक ही मिलेंगे, सुनने वाला भी बढ़िया और कहने वाला भी बढ़िया, ऐसा बिरला गुण किसी एक में होता। जिनको सुनने का भी गुण है और बोलने का भी गुण, प्रायः बहुत से लोग वक्ता तो बहुत अच्छे होते हैं कथा व्यास, पर सुन नहीं पाते, अपने अलावा किसी दूसरे को नहीं सुन पाते। बहुत से लोग श्रोता बहुत बढ़िया होते हैं पर बोल नहीं पाते, कथा नहीं कह पाते। लेकिन एक कलिकाल में चारों युगों में एक देवता ऐसे हैं, सकल गुण निधानम, और उनके बारे में वर्णन, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जो गुणों के निधान हैं, जो गुणों के सागर हैं, कैसे वक्ता, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। ऐसे वक्ता कि उन्होंने राम कथा सुनाई तो माता जानकी जी का दुख भाग गया। अच्छा, कथा सुनाओगे तो दुख भागेगा और वृथा सुनाओगे तो दुख और बढ़ जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कई बार हम कथाओं में देखते हैं बहुत से लोग रोने लगते, जरूरी नहीं है वो कथा के कारण रो रहे हो, कमर दर्द कर रही हो सो रो पड़ते हैं, घुटनों दर्द करने लगे सो ही रो पड़ते हैं, या फिर लुगाई की याद आ जाए सो ही रोने पड़ते हैं, चली गई छोड़कर रोने रो पड़ते हैं। जरूरी थोड़ी कि वो मीराबाई है या भक्ति के कारण रो रहे, कुछ और कारण से भी रो। एक हमने सुना, बोलना नहीं चाहिए पर हम पोल खोले बिना रह नहीं पाते। हमने एक कथा व्यास को देखा था, वो जब राम वनवास की कथा सुनाते थे तो उनके आंसू नहीं निकलते थे, आंसू नहीं निकलते थे, वो बाम लगा लेते थे, बाम बाम। अब बाम जैसे ही आंखों में लगे तो अपने आप झर झर आंसू है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। तो मेरे प्रियजनों, मेरे पागलो, लेकिन एक वक्ता ऐसे हैं, कौन, हनुमान जी। अच्छा, श्रोता कैसे हैं, प्रभु चरित्र सुने में को रसिया, बोलो राम लखन सीता मन बसिया, श्री राम जय स्प्रीट के श्रोता। वक्ता बहुत बेहतरीन दुनिया में कोई है तो वो एक, श्रोता भी दुनिया में कोई बहुत बेहतरीन है वो हमारे श्री हनुमान जी महाराज। ऐसे हनुमान जी के चरणों को भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं।